दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम कैसा दिखता है? एक ऐसा स्कैम जिसका इम्पैक्ट दुनिया के 8 बिलियन लोगों पर होगा और चोर बिना किसी सजा के छूट जाएगा। पिछले 2 हफ्तों से आपने एक नाम तो सुना ही होगा, सिलिकॉन वैली बैंक, जो अमेरिका के टॉप 20 बैंक्स में से एक है, जो रातों रात भिखारी बन गए। लेकिन स्कैम ये नहीं है कि लोगों का पैसा डूब गया, स्कैम तो ये है कि लोगों को सारा का सारा पैसा वापस मिलने वाला है। कंफ्यूज्ड यू शुड बी, लेकिन भाई आया है सब समझा के जाएगा। इस कहानी को पूरा समझने के लिए आपको कोई इकोनॉमिस्ट होने की जरूरत नहीं है, बस ये पिरामिड याद रखने की जरूरत है जिसके 3 पॉइंट्स पर 3 विलन्स बैठे हुए हैं, जिन्होंने अमेरिका के साथ साथ दुनिया को चूना लगाया। चूना लगा दिया। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्या आपने नोटिस किया कि हमारे 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर वो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि बुरे इन्वेस्टमेंट्स और इकोनॉमिक डिसीजंस कैसे वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल के साथ साथ एक देश के लिए। लेकिन आप बुरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन से खुद को बचा सकते हैं और रिस्पॉन्सिबली स्पेंड कर सकते हैं मल्टीपल के साथ। द पार्टनर फॉर टुडेज वीडियो इज मल्टीपल। ये है एक यूनिक इन्वेस्ट टू स्पेंड ऐप। इन्वेस्ट टू स्पेंड मतलब हम सब एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं, जहां खर्चों का और सेविंग्स का सही बैलेंस हो, जो आपको देता है मैक्सिमम वैल्यू फॉर मनी। हम आने वाले खर्चों के लिए पैसे यूजली सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं और भूल जाते हैं, और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कमाते हैं जिसे भी इन्फ्लेशन खा जाता है। ऑप्शन ही क्या है, दैट्स व्हाट वी थिंक। मल्टीपल पर अकाउंट सेटअप करने के बाद मल्टीपल आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को समझता है, टाइम होराइजन देख के आपके गोल्स के अनुसार आपको रिकमेंडेशंस देता है। एट द सेम टाइम आपके आने वाले गोल्स के लिए भारत के टॉप ब्रांड्स आपके को इन्वेस्टर्स बनते हैं, जिससे आपको एडिशनल सेविंग्स मिले, यानी हर खर्चे के लिए आपके साथ साथ ब्रांड्स भी इन्वेस्ट करते हैं। हाउ कूल इज दैट। मल्टीपल सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, जो आपको कमीशन फ्री पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और ब्रांड को इन्वेस्टमेंट्स देते हैं, ताकि मल्टीपल के इन्वेस्ट स्पेंड मॉडल के साथ आप भी एक रिस्पॉन्सिबल स्पेंडर बने। डाउनलोड मल्टीपल फॉर फ्री, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चैप्टर 1, हो क्या रहा? एक कहावत है, व्हेन अमेरिका कैचेस अ कोल्ड द होल वर्ल्ड स्नीजेस। मतलब ये है कि हमसे 10,000 किलोमीटर दूर होने के बावजूद अमेरिका में जो इकोनॉमिक भूकंप आता है, उससे यहाँ के घर हड़बड़ा जाते हैं, इम्पैक्ट यहाँ तक पहुँचता है। लेट मी एक्सप्लेन। पिछले 10 दिनों में अमेरिका की बैंकिंग सिस्टम हिल गई है। सिलिकॉन वैली बैंक डूब गई है। SVB कैसे डूबा, ये समझने के लिए क्या आपको 25 मिनट का वीडियो देखने की जरूरत है? घंटा, वो तो 1 मिनट में समझाया जा सकता है। इनफैक्ट 3 लाइंस में निपटा देता हूँ। SVB ने, जहाँ कई स्टार्टअप्स जैसे वॉक्स, विमियो, रोब्लॉक्स अपना पैसा रखते हैं, उनका पैसा लेकर गलत जगह इन्वेस्ट किया। ये सोचा कि इकोनॉमी टकाटक चल रही है और ये स्टार्टअप्स और फंडिंग रेज करेंगे और अपने डिपॉजिट्स को टच नहीं करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। स्टार्टअप्स ने अपना पैसा निकालना शुरू किया। अब बैंक रन की वजह से एक पॉइंट पर आकर SVB ने कहा, पैसा खत्म, अब नाचो। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये बैंक क्यों डूबा? फर्स्टली, बात सिर्फ एक बैंक की नहीं, SVB के बाद सिग्नेचर बैंक और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक दोनों खत्म हो चुके हैं, तो ये एक बैंक पर नहीं पूरे बैंकिंग सिस्टम पर सवाल उठाता है। और सेकेंडली, इस एक इवेंट की वजह से इम्पैक्ट सब पर होगा। फिर आप स्टार्टअप हो या ना हो, आपके पैसे आपकी जेब में हो या बैंक में। मतलब क्या है, समझते हैं। SVB कोई नुक्कड़ का कोऑपरेटिव बैंक नहीं था। ICICI बैंक के एसेट्स हैं $230 बिलियन के और SVB के हैं $209 बिलियन के, यानी बैंक बड़ा था। फोर्ब्स ने इसे पिछले 5 सालों से टॉप बैंक्स में से एक कहा था। KPMG दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटिंग फर्म्स में से एक है। उन्होंने बैंक डूबने से 15 दिन पहले बैंक को एक क्लीन ऑडिट रिपोर्ट दिया और कहा कि बैंक की हेल्थ मस्त है। तो भाई, एक कस्टमर विश्वास किस पर करे? एक पढ़ा लिखा इन्वेस्टर भी तो इन्हीं रिपोर्ट्स को रेफर करेगा, और स्टार्टअप्स ने यही किया। अमेरिका के 50% टेक स्टार्टअप्स SVB में अकाउंट खोले बैठे थे। भारत के भी कई स्टार्टअप्स ने SVB में अपना पैसा रखा था, और ये बैंक बंद होने पर वो अपने अकाउंट से पैसा निकाल नहीं पाए, वो पैसे लॉक हो गए। कंपनीज के पास एम्प्लॉई को सैलरी देने के लिए, ऑफिस का रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे। ये हुआ क्यों? इस पिरामिड की वजह से, जिसके 3 पॉइंट्स पर 3 विलन्स, यानी 3 रीजंस बैठे हैं। चैप्टर 2, अमेरिका के 3 विलन्स। हर कहानी में एक विलन होता है, पर यहाँ तो 3 विलन्स है। पहला विलन है फ्री मनी, थैंक्स टू द फेड। एक महान इंसान ने सच ही कहा, पैसा क्या है, पैसा तो पैरों की धूल है। अमेरिका की फेड ने ये एडवाइस कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले ली। फेड या फेडरल रिजर्व, ये है अमेरिका का RBI, यानी सेंट्रल बैंक, जिनका काम है अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी सेट करना। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ और उन्होंने अपने रेट्स कम कर दिए। होता यह है कि एक देश का सेंट्रल बैंक होता है एक देश का बैकअप बैंक।
अगर एक बैंक के पास पैसे नहीं है तो वो बैकअप बैंक से पैसे उधार लेकर कस्टमर को पैसे चुका सकता। 2008 के बाद अमेरिकन बैंक्स की लगी पड़ी थी, तो फेड ने अपने रेट्स 5% से गिराकर 0.1% कर दिए। व्हाट डज इट मीन? पैसा सस्ता हो गया। नहीं समझा भाई? आया है, समझा के जाएगा। जब सेंट्रल बैंक अपने रेट्स कम करती है, अपनी नुक्कड़ की बैंक भी अपने रेट्स घटाती है। अब अगर आपको घर लेना है और आप लोन लेना चाहते हो तो आप बैंक के पास जाओगे, देखोगे कि लोन का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, फिर कैलकुलेट करने बैठोगे कि आप कितना बड़ा घर ले सकते हो। अगर 7% इंटरेस्ट रेट चल रहा है और आपने 1 करोड़ का लोन उठाया तो आप 20 सालों के टेन्योर में 1,80,00,000 पे करते हो। ये 80,00,000 है इंटरेस्ट जो आप एक्स्ट्रा बैंक को देते हो। अब इतनी बड़ी अमाउंट देखने के बाद आप क्या सोचोगे कि नहीं यार, ये बहुत ज्यादा पैसा है, थोड़ा सस्ता वाला घर देखता हूँ। आपका बजट कम करोगे और पैसे बचाने की कोशिश करोगे। जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो क्या होता है? एग्जैक्टली उल्टा। अगर ये होम लोन का रेट 7% से सीधा 2% हो गया तो आपको 1 करोड़ के लोन पर 20 सालों में सिर्फ 1,20,00,000 रुपए देने, तो आप सोचोगे चलो ठीक है, 2 BHK की जगह 3 BHK ले लेते हैं। आपका बजट बढ़ता है और घरों की डिमांड भी। लोगों को लोन किस रेट पर मिलेगा, ये फेड के इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड होता है। फेड के रेट में कुछ परसेंट जोड़कर बैंक्स लोगों को लोन देते हैं। 2008 के बाद फेड ने रेट 0.1% तक नीचे लाया और मार्केट में डिमांड को बढ़ाया और धीरे धीरे ये रेट बढ़ाया। जैसे इकोनॉमी धीरे धीरे स्टेबल होती गई, उन्होंने रेट्स धीरे धीरे बढ़ाए। फिर आया पैंडेमिक और फेड ने वही किया जो वो बहुत अच्छे से करना जानते हैं, पैसा सस्ता बनाया। अपना इंटरेस्ट रेट 0.05% तक कम किया। What does it mean? कि इन्वेस्टर्स के लिए बैंकों से लोन लेना, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना आसान हो गया, सस्ता हो गया। सिलिकॉन वैली बैंक पर वापस आते हैं। SVB की एक इमेज बन गई थी कि वो एक स्टार्टअप फ्रेंडली बैंक है। नंबर्स की बात की जाए तो मार्च 2020 में उनके पास $60 बिलियन के डिपॉजिट्स थे। ये नंबर 2 सालों में $200 बिलियन तक बढ़ चुका था, यानी ट्रिपल से भी ज्यादा। 2020 में US गवर्नमेंट ने $4 ट्रिलियन का स्टिमुलस इकोनॉमी में इंजेक्ट कर दिया। लोगों को कैश ट्रांसफर्स मिले, बिजनेसेस को चीपर लोन्स मिले। और ये एक्स्ट्रा पैसा आया कहां से? फेड ने रातों रात ये पैसा प्रिंट किया। कई इकोनॉमिस्ट ने वार्न किया था कि इन रैश डिसीजन के वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन फेड ने कहा नहीं, ये इन्फ्लेशन तो टेम्पररी है, वो जाएगा। और जब इन्फ्लेशन हर क्वार्टर में बढ़ने लगा तब फेड पैनिक करने लगा और फिर फटाक से फेड ने 2022 में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना स्टार्ट किया। जो रेट 0.05% इतना कम था, वो एक साल में 88 टाइम्स बढ़ गया। नए लोन्स महंगे हुए ही हुए, साथ ही साथ जिन लोगों ने पैंडेमिक के समय लोन्स लिए थे उन लोगों के लोन्स की इंटरेस्ट भी बढ़े। सबका प्लानिंग चौपट हो गया। विलन नंबर 2 है कंपनी मैनेजमेंट। SVB ने सोचा कि पैंडेमिक लंबा चलेगा और फेड इतनी जल्दी इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाएगा, तो वो कस्टमर के शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने लगे। फॉर एग्जांपल, आपका जो सेविंग्स में पैसा है वो लेकर वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने लगे जो 5 साल बाद कुछ रिटर्न्स देंगे। ऐसा करते करते उनके $91 बिलियन के एसेट्स अटक गए। बैंक्स में एक रिस्क डिपार्टमेंट होता है जो उनके इन्वेस्टमेंट्स का रिस्क एनालाइज और मैनेज करता है एंड अकॉर्डिंगली बैंक को एडवाइस देता है। SVB के रिस्क ऑफिसर ने अप्रैल 2022 में ही रिजाइन किया था एंड 8 महीने तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढा गया, यानी इन्वेस्टमेंट रिस्क कैलकुलेट करने के लिए 8 महीनों तक बैंक में कोई था ही नहीं। जब फेड ने रेट्स बढ़ाए तो स्टार्टअप्स नई इन्वेस्टमेंट नहीं उठा पाए। एक स्टार्टअप विंटर शुरू हुआ, यानी वो अपने ऑपरेशंस के लिए अपना पुराना पैसा अपने डिपॉजिट से धीरे धीरे निकालने लगे। SVB सिर्फ एक आशा पर सरवाइव कर रहा था कि सब लोग एक साथ अपने पैसे ना निकालें, क्योंकि उनके पास कस्टमर्स के डिपॉजिट्स तो थे 173 बिलियन के, लेकिन कैश था सिर्फ $13 बिलियन। जब धीरे धीरे उनके ये कैश रिजर्व्स कम होते गए तो उन्होंने उनके लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स बेचे और $1.8 बिलियन का लॉस बुक किया। 8 मार्च को उन्होंने ये डिस्क्लोज किया और ये भी डिस्क्लोज किया कि वो $2.5 बिलियन कैपिटल रेज करना चाहते हैं। इससे मार्केट में पैनिक फैल गया और सारे वेंचर कैपिटलिस्ट ने अपने स्टार्टअप्स को कहा कि SVB से पैसा निकालो तुरंत। डिपॉजिटर्स ने $42 बिलियन बैंक से निकालने की कोशिश की, लेकिन क्या बैंक के पास ये पैसा था? बिल्कुल नहीं, तो बैंक ने विड्रॉल्स को रोकने की कोशिश की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बैंक रन होने के कुछ ही दिन पहले कंपनी के हाई लेवल मैनेजमेंट ने $4 मिलियन के स्टॉक्स बेचे थे, यानी उन्हें पता था कि बैंक डूबने वाली है, स्टॉक प्राइसेस गिरने वाले हैं और उन्होंने मस्त प्रॉफिट कमाया। विलन नंबर 3 है लॉबिस्ट। कोई भी बैंक ऐसा कंप्लीट बैंक रन सर्वाइव नहीं कर सकता, इसीलिए कुछ रिजर्व्स रखने पड़ते हैं। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर को बचाने के लिए एक लॉ पास हुआ कॉल्ड द डॉड-फ्रैंक एक्ट। बैंक्स कहां इन्वेस्ट कर सकते
सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। हर बैंक को एक स्ट्रेस टेस्ट से गुजरना पड़ता है ताकि वो डूब न जाए। SVB के CEO गैरी बेकर ने लॉबीस्ट हायर किए ताकि वो उनके बैंक को इन प्रोविजन से हटवा दे। उन्होंने कहा कि बाकी बैंक्स के मुकाबले SVB एक बहुत ही छोटी बैंक है, तो उन पर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। हम स्टार्टअप्स को फंड करते हैं तो हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम अमेरिका को ग्रेट बनाने वाले हैं। और लॉबिंग सक्सेसफुल हुई क्योंकि 2018 में ये रूल्स रिलैक्स कर दिए गए और बैंक्स जिनके टोटल एसेट्स $250 बिलियन से कम थे वो इन स्ट्रेस टेस्ट से एग्जेम्प्ट हो गए। ये स्ट्रेस टेस्ट अलग अलग सिनेरियोस प्रेडिक्ट करते हैं ताकि बैंक्स बेहतर डिसीजंस ले सके। पर लॉबीज़ ने इंश्योर किया कि ये रूल्स SVB जैसे छोटे बैंक्स पर लागू ना हो। इस लॉबिंग के लिए उन्होंने $1 मिलियन खर्च किए। सो बेसिकली जो रेगुलेशंस उन्हें इस मेस से बचा सकते थे उन्हें ही ऑप्शन में डाल दिया। Chapter 3, तो स्कैम क्या है? तो एग्जैक्टली स्कैम क्या है, पॉइंट पर आते हैं। इस पूरे क्राइसिस ने अमेरिका को 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस की याद दिला दी, और अमेरिका वो सेम क्राइसिस अवॉइड करने के लिए कुछ भी कर सकता है, यानी लॉन्ग टर्म में अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी बर्बाद कर सकता है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने खुद इंटरव्यू देके कहा कि डिपॉजिटर्स को 100% बेल आउट मिलेगा, लेकिन बैंक के शेयर होल्डर्स अपना सारा पैसा खो देंगे। भारत में अगर कोई बैंक डूबती है तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। वैसे अमेरिका में $250,000 का इंश्योरेंस मिलता है। SVB के 97% डिपॉजिट्स $250,000 से ज्यादा के थे। बाइडेन अंकल ने कहा कि डिपॉजिटर्स को उनका सारा पैसा मिलेगा जो इंश्योर्ड नहीं था वो भी। इंश्योरेंस था नहीं, बैंक के पास पैसे थे नहीं, लेकिन सबको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा, कैसे? ये जादू हुआ कैसे? यहाँ सरकार ने $167 बिलियन की कमिटमेंट कर दी, वो भी आउट ऑफ थिन एयर, और इसके लिए रातों रात $300 बिलियन छाप भी दिए। पैसा क्या है? पैसा पैरों की धूल है, सब मोह माया है। ये स्कैम कई सवाल उठाता है। क्या ये सिर्फ SVB बैंक के लिए है, या दूसरी बैंक भी जब फेल होंगी तब उनको भी ये सेम सहूलियत मिलेगी? फेड ने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया कॉल्ड बैंक टर्म फंडिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंडर बैंक्स फेड के पास अपने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज गिरवी रख के बोरोइंग कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग कैच है, फेड बैंक्स को उनके लॉन्ग टर्म एसेट्स के बदले उनका कॉस्ट प्राइस देगा, इवन इफ उनकी मार्केट प्राइस गिर चुकी है। आसान भाषा में फेड ये कहता है कि ये मेरा फोन है जो मैंने 2 साल पहले 50,000 में खरीदा था, आज अगर मैं ये बेचने जाऊँ तो 15,000 रुपए भी नहीं आएंगे, लेकिन अगर आज मुझे पैसों की जरूरत है तो फेड मुझसे ये फोन लेगा और मुझे 50,000 रुपए देगा। सो कूल राइट? हर देश का सेंट्रल बैंक अपने बैंक्स को कहता है कि आपकी कुछ रिजर्व्स मेरे पास रखो, जब जरूरत पड़ेगी तब फंड्स एक्सेस करने में दिक्कत नहीं आएगी। भारत में इसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। पहले ये रेशियो 25% था और अब ये 18% है। इसका मतलब कैश और इन्वेस्टमेंट्स के अलावा बैंक्स अपने 18% रिजर्व्स RBI के पास रखते हैं। USA में फेड ने ये रिक्वायरमेंट्स 2020 में जीरो कर दिए थे, जीरो। तो अब बैंक्स के पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है कि वो पैसे रिजर्व्स में रखे, विच मींस ये सिचुएशन फुल ब्लो अप हो सकता है। इनफैक्ट रिसर्च ये कहता है कि US बैंक $620 बिलियन के अनरियलाइज्ड लॉसेस पर बैठे हैं, मतलब अगर उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचे तो इतना नुकसान हो सकता है। यानी इस स्कैम की टोटल वैल्यू $620 बिलियन है, मेकिंग इट लार्जर देन द GDP ऑफ 190 कंट्रीज। Chapter 4 कंक्लूजन। अब अमेरिका क्या करेगा? उसके पास दो ऑप्शंस है, क्या वो हर उस बैंक के लिए पैसे छापने लगेगा जो डूबने की कगार पर है, या उन्हें डूबने देगा। जब भी US फेड पैसा प्रिंट करता है USA में इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन बढ़ता है, और US डॉलर इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी है, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे इंडियन रूपी के वैल्यू पर भी होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें भी उनकी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ती है। इसे हमने कुछ हद तक इस वीडियो में कवर किया था। इन्फ्लेशन एक इनडायरेक्ट चोरी होती है जिससे आपके जेब में जो पैसे हैं उनकी वैल्यू कम होती है। अमेरिका के इन डिसीजंस की वजह से होने वाला ये है कि अमेरिका में डॉलर्स का सप्लाई बढ़ेगा, लेकिन चीजें तो लिमिटेड है तो चीजों के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। हम एज इंडियंस जो भी चीजें इंपोर्ट करते हैं उनके प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि हम पेमेंट्स डॉलर्स में करते हैं और हमें और पूरी दुनिया को इसकी प्राइस चुकानी पड़ेगी। यानी SVB जैसे बैंक के मिस्टेक्स की कीमत उन लोगों को भी चुकानी पड़ेगी जिन्होंने SVB का नाम कभी सुना भी नहीं है। ये चोरी नहीं तो और क्या है? अब अमेरिकन टेक कंपनीज ले ऑफ्स कर रहे हैं और रिसेशन जैसी सिचुएशन मार्केट में है, साथ ही साथ इतना सारा पैसा रातों रात छापने की वजह से हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। अब इन पैसों की हेराफेरी का भारत पर और पूरी दुनिया पर क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर एक और वीडियो आएगा जरूर। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि अक्सर हम हमारे इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के डिसीजंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते और फॉरेन वैलिडेशंस और सजेशंस को ढूंढते हैं। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लाइन है तो एक अमेरिकन मूवी की, लेकिन अमेरिका ने ही इस एडवाइस को कभी सीरियसली नहीं लिया। डॉलर है दुनिया की बैकअप करेंसी, जब तक डॉलर वर्ल्ड ट्रेड डोमिनेट करता आएगा तब तक इन वन वे और अनदर हम डॉलर्स के गुलाम बने रहेंगे। ये सिचुएशन बदलने की जरूरत है और यही इम्पोर्टेंट रिमाइंडर आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अमेरिकन डॉलर कैसे दुनिया को कंट्रोल करता है, इसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारी पाकिस्तान एक्सप्लेन्ड सीरीज काफी मस्त चल रही है, अगर आपने वो मिस कर दी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।